हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ प्री पोजिशन। हम लोग आज प्री पोजिशन का दूसरा यूज देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग शायद 3 या 4 प्री पोजिशन पढ़ चुके हैं। ये उसके नेक्स्ट प्री पोजिशन है जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ इन सब को एक साथ मैंने इसलिए लिखा है कि above, over और upon इन तीनों का यूज लगभग एक केस में होता है, ऊपर के अर्थ में होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या above का मतलब ही ऊपर होता है, over का मतलब ही ऊपर होता है और upon का मतलब ही ऊपर होता है। लेकिन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये देखना है, एक सिंपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज हम एक एज्यूम करते हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ द अर्थ एक धरती का सतह है और जिसके ऊपर एक इंसान खड़ा है। मान सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक इंसान है, है ना। सपोज मान ले यहां पे कोई एक ट्री है, पेड़ है, और इसके जस्ट ऊपर में यहां पे जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर में यहां पे सन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर कोई भी चीज होता है तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज हम लोग एक क्लासरूम में बैठे हों और क्लासरूम में जब हम लोग बैठे हों उसके जस्ट ऊपर फैन चल रहा हो तो हमारे सर के जस्ट ऊपर फैन चलता है, तो हम कह सकते हैं फैन इज मूविंग ओवर अवर हेड, क्योंकि हमारे सर से जस्ट ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी चीज जहाँ पे हम खड़े हों या बैठे हों उसके जस्ट ऊपर वर्टिकल परपेंडिकुलर कोई भी चीज होता है ना, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम थोड़े देर के लिए मान लें ये सन है, सन कुछ समय में इधर भी रहा होगा या कुछ समय बाद इधर भी जाएगा, ये स्टेशनरी तो ये नहीं रहेगा, एक जगह तो नहीं रहेगा। तो जब सन ये वर्टिकल से किसी और दूसरे एंगल पे जाएगा, लेफ्ट या राइट, तो उस सिचुएशन में अगर सपोज सन यहाँ पे है या कहीं यहाँ पे है, तो उस सिचुएशन में हम लोग अबव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अबव। क्लियर है? हम बात करते हैं ओवर और अबव में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब कोई चीज जहां पे हम खड़े हो या बैठे हो जस्ट उसके ऊपर वर्टिकल परपेंडिकुलर जस्ट सर के ऊपर कोई चीज हो तो वहां पर हम लोग ओवर का यूज करते हैं। अगर किसी एंगल पे कोई चीज हो, बिल्कुल लेफ्ट या राइट किसी एंगल पे हो, तो वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पे बाय फिगर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लें कि यहां पे एक इंसान खड़ा है, सपोज यहां पे मान लें कि इंसान खड़ा है, इसके जस्ट बगल में यहां से एक नदी गई है, यहां पे एक पर्वत है, पहाड़ है, और इसके जस्ट ऊपर एक क्या बना हुआ है, एक टेंपल बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर यहां पे क्लाउड है। अब इसको बाय फिगर हम समझ में थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मुझे ये बताना होगा कि ये इंसान यहां पे खड़ा है, इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये जो क्लाउड हुआ वो ओवर हुआ या एवर हुआ, जो इंसान खड़ा यहां पे इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये क्लाउड ओवर हुआ या एवर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड यहां पे तो नहीं है
इसके जस्ट सामने यहाँ पे तो क्लाउड नहीं है। अगर सपोज जस्ट इसके सर के ऊपर होता तो यहाँ पर मैं अबव का यूज ओवर का यूज करते, लेकिन इसके किसी न किसी एंगल पे है और जब किसी एंगल पे होगा तो वहां पर हम लोग अबव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अबव का। हाँ, अगर सपोज वही क्लाउड वही बादल इसके जस्ट सर के ऊपर होता तो यहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें देखते हैं क्या, सपोज मान लीजिए पहाड़ है, पर्वत है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर टेम्पल है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में, इस टेम्पल के रिस्पेक्ट में अगर इससे रिलेटेड हम इसको देखें तो क्लाउड इसके लिए क्या हो गया? ओवर हो गया। और टेम्पल जो है पहाड़ से सटा हुआ, पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ये बताया था जब दो चीजें आपस में कॉन्टेक्ट में हो, सटा हुआ हो, तो वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं बता चुका था। तो आपको केवल दो चीज ध्यान रखना है कि जब सर के जस्ट ऊपर हो तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करेंगे, अगर किसी न किसी एंगल पे हो तो वहां पे अबव का यूज करेंगे। अब इसके बाद कंफ्यूजन क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सपोज हम मान लें कि एक बड़ा सा पंडाल है, सपोज मैं मान लू उसमें एक बड़ा सा पंडाल है, ठीक, और इसके अंदर 1100 फैन लगे हुए हैं। एक बड़ा सा पंडाल है और उसमें 100 पंखे लगे हुए हैं, तो वो पंडाल चारों तरफ से पैक है, क्लियर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो किसी एक पंखे के नीचे खड़ा हो सकता हूं, सभी पंखे के नीचे तो खड़ा नहीं रहूंगा, तो जिस पंखे के नीचे मैं खड़ा रहूंगा तो हमारे लिए ओवर होगा, लेकिन बाकी सब पंखे मेरे लिए क्या होंगे, ओवर या एवर? क्वेश्चन यहां पे ये है। तो आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि वो सारे के सारे पंखे हमारे लिए क्या होंगे, ओवर होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ओवर एवर का कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो खुले सराउंडिंग में करते हैं, खुले स्पेस में करते हैं। अगर सपोज एक बड़ा सा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में अगर 10 फैन लटक रहे हैं, 10 पंखे लगे हुए हैं, तो मैं तो किसी एक फैन के नीचे रहूंगा, बाकी और रेस्ट जो 9 पंखे बच गए उस वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ओवर होगा या एवर होगा? तो आपको वहां पर भी ओवर ही कहना है, क्योंकि क्लासरूम चारों तरफ से पैक है ना। जब कोई क्लोज रूम की बात करता है, जब कोई चारों तरफ से पैक चार दीवारी की बात करता है, उसमें जो चीज भी होगा सभी के सभी हमारे लिए क्या होगा, ओवर होगा। ओवर एवर को अलग अलग तब हम करते हैं जब हम खुले स्पेस में उसको उसकी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे खुला स्पेस है, एक वृक्ष है, वृक्ष के जस्ट ऊपर सूर्य है, ये खुला है ना, इसके जस्ट कभी इधर होगा कभी इधर होगा। तो आपको इतना मानना है कि जब खुले स्पेस में होगा तब वहां पे एवर ओवर कंडीशन अलग अलग हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जब एक ही क्लोज रूम की बात करेंगे, उस क्लोज रूम में जितने ही पंखे होंगे वो सभी हमारे लिए क्या होंगे, ओवर होंगे, क्लियर है। अब जैसे कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं, अब प्लेन इज फ्लाइंग क्लाउड्स, अब प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। अब यहां पे देखना, तो यहां पे क्या होगा, सपोज आपको ऑप्शन दिया हो अबव, एक ऑप्शन दिया हो ओवर और एक ऑप्शन दिया हो ऑन, यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो आपको देखना है क्या, सपोज थोड़े देर के लिए यहां पर हमें कंज्यूम करते हैं, सपोज यहां मान लिया क्लाउड्स, यहां पर मैं लिखता हूं क्लाउड, सपोज मान लिया क्लाउड है, बादल है। अब एरोप्लेन की हम बात करें, अगर सपोज एरोप्लेन एक समय यहां पे होगा, सपोज एक समय एरोप्लेन यहां पे भी रहा होगा, तो क्लाउड के जस्ट क्या होगा, वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर क्लाउड के जस्ट ऊपर हो गया। तो जब ये क्लाउड के जस्ट ऊपर हो गया तो यहां पे किसका यूज करेंगे हम, ओवर का। लेकिन सपोज
क्या प्लेन वहीं पे रहा होगा? हो सकता है प्लेन इधर भी गया हो सकता है प्लेन इधर भी आया हो। तो जब इधर या इधर गया हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? अबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अबव का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, अबव भी लिख सकते हैं या ओवर भी लिख सकते हैं। हो सकता है क्लाउड के जस्ट ऊपर भी हो सकता है और क्लाउड के जस्ट इधर किसी एंगल पे या इधर किसी एंगल पे हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब ऑन क्यों नहीं होगा? ऑन इसलिए नहीं होगा कि क्लाउड पे जस्ट सट के नहीं चल रहा होगा, वो किसी न किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चल रहा होगा। सपोज क्लाउड यहाँ है तो ऐसे चल रहा होगा, ऐसे सट के नहीं जा रहा होगा, तो वहां पे हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और, सपोज एक क्वेश्चन और है, एट 4 पीएम The sun is overhead. इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अबव, सेकेंड ओवर और थर्ड ऑन। क्लियर है? तो कहता है कि 4 बजे शाम में जो यहां पे एक वर्ड छूट रहा है, चार बजे शाम में सन जो सूर्य है वो हमारे ओवर में होगा या अबव में होगा। तो आप देखते होंगे 4 बजे शाम में सूर्य हमारे जस्ट सर के ऊपर नहीं होता है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में किसी ना किसी एंगल पे होता है। तो यहाँ पे जब किसी न किसी एंगल पे होगा तो इसमें फिक्स है कि इसमें हम किसका यूज करेंगे? अबव का ही यूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे, सपोज अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो, एट 12 पीएम द सन इज डैश आवर हेड, और इसमें ऑप्शन दिया हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवर, सेकेंड अबव और थर्ड ऑन। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? तो आप देखें यहां पे कि ठीक 12 बजे दोपहर में या 1 बजे दोपहर में जो सूर्य होता है लगभग हमारे सर के वर्टिकल जस्ट ऊपर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ओवर एवर को अलग अलग यूज कर रहे हैं तब जब खुले स्पेस में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर सपोज हम ऐसे बात करेंगे कि एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये है देयर इज अ रूफ डैश आवर हेड। एक क्वेश्चन ये है, देयर इज अ रूफ डैश आवर हेड। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन सही है या गलत है, पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन सही है या गलत है। अब हमको आपको पता है, सपोज हम इस ऐसे बात करें सपोज मान लीजिए छत है, तो छत का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम सीलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीलिंग। और जो छत के ऊपर वाले पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूफ। तो अब आप देखें कि हमारे सर के ऊपर रूफ होगा या सीलिंग होगा।
तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे सीलिंग होना चाहिए। तो सम टाइम ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप उसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन, देयर इज अ सीलिंग डैश अवर हेड, तो अगर हम सपोज किसी रूम में खड़े हैं, है ना, या रूम में बैठे हैं, तो जो सीलिंग, जो छत होगा हमारे जस्ट सर के क्या ऊपर में होगा, वर्टिकल में होगा। और जब जो चीज हमारे वर्टिकल में होता है ना, किसी परपेंडिकुलर होता है, ठीक ऊंचाई पे जस्ट सामने होता है, छत के सर के ऊपर होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ओवर आवर हेड। क्लियर है। अब सपोज जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, ये जो छत है ये मेरे जस्ट सर के ऊपर है, लेकिन जो वहां पे जो छत है, क्या वो जस्ट वो मेरे लिए अवर हो जाएगा? सपोज मेरे सर के ऊपर ये वाला छत है तो ये तो हमारे लिए ओवर है, लेकिन जस्ट जो वहां पे जो छत है, क्या वो हमारे लिए अवर होगा या ओवर होगा? तो आपको देखना है कि पूरा क्लोज रूम है, जो छत यहाँ है वही सेम छत वहां पे है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ओवर ही लिखेंगे, वहां पे अवर नहीं लिखेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये था फर्स्ट कंडीशन अवर और ओवर। अब हम एक इसके और इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम अपॉन के बारे में, अपॉन का यूज कहां करेंगे। तो वहां पे करते हैं, इसका केस फर्स्ट है अपॉन का, अपॉन इज यूज्ड इन केस ऑफ मोशन। अपॉन का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे हम मोशन की बात करते हैं, है ना, एक गति की बात करते हैं, क्लियर है। और आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हम लोग मोशन के केस में दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आप देखे भी होंगे कि एक आपका इनटू का प्रयोग हम बताए थे मोशन के केस में, तो इनटू का प्रयोग क्या बताए थे कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, है ना, टॉप टू बॉटम, ऊपर से कोई चीज नीचे किसी चीज में गति से जाएगा, वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं मोशन, कैसा मोशन, जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, एक खुले सराउंडिंग में होगा, खुले स्पेस में होगा। जैसे हम बात करते हैं यहां पे अमंग की स्प्रे अपॉन द मैंगो ट्री। अब यहां पे देखते हैं क्या, अमंग की स्प्रेग अपॉन द मैंगो ट्री, यानी जो बंदर है, स्प्रेग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब छलांग लगाना या कूदना। एक मंकी है जो मैंगो ट्री के ऊपर छलांग लगाता है, तो ये क्या होगा, मोशन में जाएगा। यह मोशन कहां हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। यह मोशन कहां हो रहा, खुले स्पेस में हो रहा है। तो जब भी कोई मोशन खुले स्पेस में होगा, या कोई किसी के ऊपर छलांग लगाएगा, या कोई किसी के ऊपर अटैक करेगा, तो वहां पे इसको हम क्या करेंगे, अपॉन का यूज करते हैं। किस प्रीपोजिशन यूज करते हैं, अपॉन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और, अगर यहां पर ऐसे लिखे द टाइगर is the tiger is a sprang, yes, the tiger sprang upon the prey, prey का मतलब क्या होता है, prey का मतलब शिकार होता है, इसको शुद्ध हिंदी में अगर देखें तो इसको शिकार कहा जाता है, ठीक है। यानी जो टाइगर है अपने शिकार के ऊपर क्या करता है, छलांग लगाता है, क्लियर है। तो जो टाइगर होगा वो आराम आराम से अपने शिकार के पास तो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट छलांग लगाएगा। और जब कोई टाइगर किसी प्रे के ऊपर, किसी शिकार के ऊपर अगर छलांग लगाता है, तो मोशन में जाएगा, गति में जाएगा, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे, क्लियर है। तो आप देख कर रहे कि जो मोशन हो रहा है वो खुले स्पेस में हो रहा है,
किसी चीज के अंदर नहीं, वो खुले स्पेस में मोशन हो रहा है ना, और एक दूसरे पर हम अटैक करने की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। सपोज एक एग्जांपल और, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, एक एग्जांपल और है। ही थ्रू अ बुक डैश द टेबल, ही थ्रू अ बुक डैश द टेबल। सपोज मैं यहां खड़ा हूं और कुछ दूरी पे एक टेबल लगा हुआ है, मैं यहां से बुक को टेबल के ऊपर फेंकता हूं तो बुक तो मोशन में जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, सपोज मैं यहां खड़ा हूं, एक टेबल कुछ दूरी पे लगा हुआ है, मैं यहां से कोई बुक को फेंकता हूं तो बुक तो मोशन में जाएगा ना, गति में जाएगा। कहां पे जाएगा? टेबल के ऊपर जाएगा। तो जब कोई चीज गति में जाए, है ना, मोशन में जाए, तो वहां पर आपको पता है किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। मेरा है? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अपॉन का यूज कहां करते हैं, ओवर का यूज कहां करते हैं और अबव का यूज कहां करते हैं। क्लियर है? तो ये था इन लोग का फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, जहां पर ओवर और अपॉन का यूज करते हैं। अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस पे बात करते हैं। केस सेकंड अबव का, अबव का सेकंड केस ये है कि जब हम लोग किसी एज की बात करते हैं या जब हम लोग किसी सैलरी की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, या जब किसी का उम्र हमें बताना हो, तो उस केस में भी हम लोग अबव का यूज करते हैं। क्लियर है? तो जब किसी का हमें नंबर बताना, जैसे हम यहाँ पे एक चीज, एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल ही है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, और ऐसे लिखेंगे हर एक्सपेंसेस इज अबव हर मींस। अब यहां पे देखेंगे हर एक्सपेंसेस, उसकी खर्च उसकी आमदनी से अधिक है। यहां पे मींस का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। यहां पे मींस का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आमदनी आती है। तो कहता है उसका जो, उसकी जो खर्च है उसकी आमदनी से अधिक है। तो जहां पे हमें अधिक शो करना होता है किसी चीज को, तो वहां पे हम लोग अबव का यूज करते हैं। यहां पे हम उसकी सैलरी को शो कर रहे हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, सी इज अबव फोर्टी। यहाँ पे 40 किसको शो कर रहा है? यहाँ पे जो 40 है उस इयर्स को शो कर रहा है, मतलब वो 40 साल से अधिक है, उसकी जो उम्र है 40 साल से अधिक है। और कभी भी किसी को उम्र शो करना हो या कभी भी किसी का इनकम शो करना हो, सैलरी शो करना हो ज्यादा के अर्थ में, तो वहां पे कभी भी ओवर का यूज अपना करें, अबव का यूज करें। अगर कम शो करना है तो वहां पे अंडर का यूज ना करें, बिलो का यूज करें। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत माइनर है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे क्वेश्चन और लिखे इसी बेसिस पे, सी इज अबव 40 इयर्स, या she is above 40 years old। अब ये तीन क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जो 40 है ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं लिखेंगे, केवल यहां लिखेंगे she is above 40, इसका मतलब क्या होगा? उसकी उम्र 40 साल से अधिक है।
इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, लेकिन तीनों क्वेश्चन लिखने का पीछे लॉजिक ये है कि आपको पता है कि ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम आते हैं तो आपको पता है 40 इयर्स ओल्ड कहने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ओल्ड टर्म लगा हुआ है और ये आपको पता होना चाहिए क्या है, एडजेक्टिव है। और प्रीपोजिशन के डिफिनेशन को याद करें, प्रीपोजिशन जनरली नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग है। मतलब हम कह सकते हैं कि आई एम अबव 20 तो चलेगा, आई एम अबव 20 ईयर्स तो चलेगा, अगर बोलेगा आई एम अबव 20 ईयर्स ओल्ड तो नहीं चलेगा। अगर इसको कहना ही है तो ऐसे कैसे, सी इज 40 ईयर्स ओल्ड, इसको एवो लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो 40 साल की है, और जब 40 साल की है तो उसमें एवो लगाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। पहला। दूसरा ये कि यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के केस में कहीं प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन जनरली कॉन्सेप्चुअल है और ये सम टाइम इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो हम फर्स्ट सेकेंड केस था ये अबव का, अगर सपोज इसी को हम ऐसे लिखें हिज मंथली इनकम इज अबव 40,000, तो यहां पे 40 लिखने से काम नहीं चलेगा, वहां पे 40,000 40,100 जो भी है वहां पे मेंशन आपको करना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी टू मेंशन देयर 1000 व्हाटएवर यू आर नोइंग। अब यहां पे देखते हैं हिज मंथली इनकम इज अबव 40,000, मतलब 40,000 से अधिक उसकी इनकम है, तो जब इनकम शो करना हो, किसी की उम्र शो करना हो, किसी का एक्सपेंस शो करना हो, तो वहां पे अबव का यूज करते हैं सेकंड यूज। हम थर्ड यूज में बात करते हैं और यहाँ पे ध्यान रखें ओवर का गलती से भी यूज नहीं करना है, कि जहां पे उम्र और इनकम से वहां पे ओवर का यूज नहीं होता है, केवल अबव का। हाँ, अगर कम शो करना है, 40 साल से कम है तो यहाँ पे बिलो का यूज करें, अगर कम शो करना है तो बिलो, कम शो करना है तो बिलो। हाँ, लेकिन कुछ लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे बिलो की जगह पे अंडर का यूज करते हैं, मतलब 40,000 से नीचे, तो अंडर का यूज नीचे करते हैं, दूसरे सेंस में करते हैं, किसी सैलरी को किसी उम्र को कम करने के लिए नहीं करते हैं। तो अंडर का यूज कभी ना करें आप, ओवर का यूज आप कभी ना करें, आपको यूज करना है अबव और बिलो का, क्लियर है। देखते हैं ओवर का सेकंड केस, सेकंड केस ऑफ ओवर, ओवर का सेकेंड केस क्या होता है, कहाँ यूज होता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ओवर का, वो क्या था, नो टचिंग सरफेस, कहने का मतलब हम ओवर का यूज तो कर रहे थे लेकिन कहाँ, सर से ऊपर, वो किसी ऑब्जेक्ट में टच नहीं था। लेकिन जो अब हम यूज करने जा रहे हैं वो यूज कर रहे हैं क्या, विदाउट टचिंग सरफेस, विद टचिंग सरफेस, जहां पर सरफेस को टच करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं लिख भी रहे हैं, ओवर इज यूज्ड इन केस ऑफ टचिंग सरफेस, ये है ओवर इज यूज्ड इन केस ऑफ टचिंग सरफेस। सपोज यहां पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लीज स्प्रेड अ क्लोथ डैश द टेबल। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन इसमें दिया हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओवर, ऑप्शन नंबर सेकंड अबव, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑन, विच इज बेटर, विच इज राइट। अब ये क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आप ठीक 2012 वाले बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, क्लास 12th में 2012 के सेट में आपको सेट बी में ये क्वेश्चन सेम मिलेगा। वहां पे हम क्या यूज करेंगे,
तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से कवर हो जाता है, ढक जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ये सेकेंड केस है, पहला केस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो सेकेंड केस है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से ढक जाता है तो वहां पर हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज मान लें, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मुझे कपड़े को बिछाना है। इसका मतलब क्या है, प्लीज स्प्रेड अ क्लोथ, यानी टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाना है। तो जब इस टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाएंगे तो टेबल ये चारों तरफ से ढक जाएगा, बोलो। और जब चारों तरफ से ढक जाएगा तो यहां पे किसका यूज करेंगे हम, ओवर का। सर इसमें एवर का यूज क्यों नहीं किए? एवर का यूज इसलिए नहीं किए कि एवर का यूज नॉन टचिंग सरफेस होता है, यानी सरफेस को टच ना करे, सतह को टच ना करे। तो यहां पे तो जो कपड़ा है टेबल के सतह को टच कर रहा है ना, इसलिए यहां पे ओवर का यूज सही है, एवर का यूज सही नहीं। सर ऑन का यूज क्यों नहीं किए? तो एक क्वेश्चन लिखते हैं उनके लिए, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन है ऑन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन, केप अ क्लोथ डैश द टेबल। अब सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दिए, केप अ क्लोथ। अब एक कपड़े को कहां रखना है, टेबल के ऊपर। अब सपोज हम मान लें एक टेबल है, इसके ऊपर केवल एक कपड़ा को रखना है, तो कपड़ा को रखेंगे तो दोनों सटा हुआ है, टच में है, यहां पे किसका यूज करेंगे, ऑन का। लेकिन बिछाना हो तो चारों तरफ उसको फैलाएंगे ना, तो टेबल उससे ढक जाएगा ना, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ऑवर का। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझे, किसी में फिट ना करे, किसी को रट्टा में चढ़ाएंगे ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ, हर चीज का लॉजिक जाने, रीजन देने, उसमें ये होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और इसी पे दे रहे हैं, सपोज अगर ऐसे रहे, थर्ड, ही वियर अ हेलमेट हिज हेड व्हाइल ड्राइविंग या व्हाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। जब वो बाइक चलाता है तो अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहनता है। अब इसमें ऑप्शन आपको सेम दिया, ओवर दिया, ओवर दिया, ऑन दिया हो, अब इसमें क्या यूज करेंगे? तो आप ध्यान से सोचें कि जब हम हेलमेट को सर में लगाते हैं या पहनते हैं तो आप सोच के देखिए, पूरा का पूरा सर हमारा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और जब जो चीज कवर हो जाता है, पूरी तरीके से ढक जाता है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। तो यहां पर इसलिए क्या लिख सकते हैं, ओवर। तो इसी पे चार पांच क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आप उसको बना कर देखें बनता है कि नहीं। ही वियर्ड अ कैट डैश हिज हेड। इन सभी के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवर, ऑप्शन नंबर सेकंड ओवर, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑन, ऑप्शन नंबर फोर्थ अपॉन। ये आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि इन पांचों में से कौन कौन सा ऑप्शन फिट करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही वियर्ड अ कैप डैश हिज हेड, मतलब एक कैप ना, इस कैप का मतलब और इस कैप का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। कैप और लैपेट दोनों का मतलब टोपी होता है, एक ऐसा टोपी जिसको जनरली हम प्रोफेशनली पहनते हैं, जो आगे थोड़ा निकला हुआ होता है। जब वो कैप हम पहनते हैं तो आप ध्यान से देखे होंगे कि पूरा सर हम लोग का कवर नहीं हो पाता है, केवल हल्का सा यहाँ पे सर कवर होता है, बाकी पूरा सर कवर नहीं होता है। तो उस केस में यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। He wear a cap on his head, he wear a leopard on his head। इसका मतलब ही टोपी होता है, हेड का मतलब क्या होता है, टोपी होता है। लेकिन ये ऐसे हेड की बात कर रहा है ना, जैसे जनरली आप क्रिकेट मैच अगर देखते होंगे तो उसमें जितने अंपायर होते हैं तो अंपायर उसमें जनरली क्या होते हैं, राउंड, जो गोल टोपी होता है उसको पहनते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैट बोलते हैं। अगर वो टोपी हम पहनते हैं जो राउंड होता है, गोल होता है, तो उससे पूरा सर हम लोग कवर हो जाता है, और उस स्थिति में हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ओवर।
नेक्स्ट, डोंट पुट अ ब्लैंकेट डैश मी इन दिस स्कॉर्चिंग हीट, मतलब ये कहता है कि मेरे ऊपर कंबल मत डालो इस चिलचिलाती गर्मी में। तो कहता है कि इस चिलचिलाती गर्मी में मेरे ऊपर कंबल मत डालो। अब देखते हैं क्या कि जब किसी के ऊपर हम कंबल डालेंगे तो पूरा का पूरा इंसान क्या होगा, कवर हो जाएगा, और जब कोई चीज पूरी तरीके से ढक जाएगा या कवर हो जाएगा तो उस स्थिति हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर। कहता है ही वियर्ड सूट डैश हर बॉडी, वो अपने शरीर पे एक सूट पहने, सूट डाली हुई है। तो यहाँ पे जब सूट पहने की हो तो पूरा का पूरा शरीर कवर हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें क्या है, कह सकते हैं डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, और माइनर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, उसके बाद उसके अंदर फिल अप द ब्लैंक्स को फिल अप करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है, लॉजिक समझते जाए, और जहां समझ में नहीं आता जरूर आप पूछे मुझसे। क्लियर है, अब इसके नेक्स्ट यूज पे हम बात करते हैं। देयर इज अ फ्रेज ओवर द रिवर, तो यहां पे इस पार से उस पार के अर्थ में है। क्लियर है, जिसको हम अक्रॉस भी बोल सकते हैं। क्लियर है, अब जैसे क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार ये रूल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब सपोज मान लें रिवर अगर ऐसे होगे तो ब्रिज इसके ऊपर ऐसे होगा, बोलो। ब्रिज ऐसे होगा तो ब्रिज एक सतह से दूसरे सतह को टच कर रहा है ना, इस पार से उस पार तक है। तो ओवर का यूज सम टाइम हम लोग इस पार से उस पार यानी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड के अर्थ में भी करते हैं। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, ओवर। सर अगर यहां पे अक्रॉस का यूज करें तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का यूज सेम एक ही स्थिति में होता है। एक कंडीशन ऐसा आता है जहां पे हम अक्रॉस की जगह ओवर, जहां पे ओवर की जगह अक्रॉस का यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम, बोथ कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ ईच अदर, दोनों का यूज हम एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें उस केस में जब केस क्या हो, इस पार से उस पार, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब इसे क्वेश्चन सेम यही रहता, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, तो इसमें अगर अक्रॉस लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है कि एक ब्रिज है जिसके ऊपर क्या है, सॉरी एक रिवर है जिसके ऊपर क्या है, ब्रिज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या है अक्रॉस का, थोड़ा इसी में हम अक्रॉस के बारे में बात करते हैं। अक्रॉस का जो फर्स्ट यूज हमने बताया, क्या बताया कि इस पार से उस पार तक, एक सेकेंड इसका यूज हो जाता है के उस पार, जैसे हम बात करते हैं माय हाउस इज अक्रॉस द मेन रोड, मेरा जो घर है मेन रोड के जस्ट उस पार है। क्लियर है, तो यहां पे अक्रॉस का मतलब क्या है, हिंदी में अगर इसको बोले तो उस पार, ये जो मेरा जो घर है मेन रोड के जस्ट उस पार है। तो अक्रॉस का यूज दो केस में करते हैं, पहला जब इस पार से उस पार की बात करें फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या दूसरा तब जब हम उस पार की बात करें है ना, दैट साइड की बात करें, तो उस केस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं। एक और ओवर का यूज है केस नंबर फोर्थ, ओवर का एक और यूज क्या कहते हैं हम, कि जब हम बोलते हैं किसी को, बोलते हैं नाउ टाइम इज ओवर, यानी समाप्ति केस में, जब कोई काम समाप्त हो जाता है या जब कोई समय समाप्त हो जाता है तो उस केस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। या हम इसको ऐसे बोले नाउ टाइम इज ओवर, नाउ टाइम इज ओवर, अब समय खत्म हो चुका है। तो ओवर का मतलब यहां पे किस अर्थ में है, एंड के यानी समाप्त होने के अर्थ में है। या ऐसे बोलेंगे योर स्कूल
इज ओवर एट 2 PM, मतलब आपका स्कूल जो होता है 2 बजे समाप्त हो जाता है। तो यहां पे ओवर का मतलब किसके उसमें अर्थ में कर रहे हैं, इंड के अर्थ में, मतलब समाप्त होने के अर्थ में कर रहे हैं। तो कह सकते हो ओवर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एंड या कंप्लीशन, जब समाप्ति की ओर हम बढ़ते हैं, समाप्त कोई चीज हो जाता है टाइम को लेकर के, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था यूज एवर का, ओवर का और अपॉन का। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना है, इसके जस्ट बाद जो हम बात करेंगे बिलो का बात करेंगे, अंडर का बात करेंगे, तो ऐसे अभी सिंपल प्रीपोजिशन क्लास कंटिन्यूस चलता रहेगा, और जब तक सिंपल प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तब तक हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले सिंपल प्रीपोजिशन खत्म करते हैं, और हर एक प्रीपोजिशन के ऊपर आप कम से कम मिनिमम 20-20 क्वेश्चन बनाएं। ये नहीं है कि मैं इतना क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर दिया तो प्रीपोजिशन इतना में ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। एक प्रीपोजिशन से कम 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। और प्रीपोजिशन में सबसे खास बात यह है कि आप जितना क्वेश्चन बनाएं उतना ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अगर आप 1000 क्वेश्चन बनाए तो आपके पास 1000 कॉन्सेप्ट होगा, कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीपोजिशन पूरे ग्रामर का सबसे टफेस्ट और कॉम्प्लेक्स पोर्शन माना जाता है। तो आप क्या करें, जितना प्रीपोजिशन आप पढ़े हैं, आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, हर एक बुक से मिनिमम कम से कम एक प्रीपोजिशन के ऊपर आप 20 क्वेश्चन सोल्व करें। जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होता है, आपसे नहीं बन पाता है, आप तुरंत उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको जल्द उसका रिप्लाई आपको देंगे। तो जब तक ये आपका बेसिक है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो आपको और सुविधा होगा समझने में। क्लियर है? तो इसके जस्ट बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको इतना रिवाइज करें, क्वेश्चन सोल्व करें, है ना, जहां समझ में नहीं आता आप जरूर हमसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कितने देर हुआ?